आपने देखा होगा कि इंसान के लिए स्वास्थ्य विभाग कई कैंप आयोजित करता है, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं खरगोन में, जहां कुत्तों के लिए भी शिविर का आयोजन किया गया। जी हां, खरगोन के वल्लभ नगर में अर्चना मेडिकल्स और कर्तव्य फाउंडेशन द्वारा हेल्दी वेलकम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रहवासी अपने पालतू कुत्तों को एंटी रेबीज के डोज लगवाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर संजय पाटीदार, डॉक्टर ए एल शर्मा, डॉक्टर संतोष मंडलोई, डॉक्टर खेमेंद्र रोगड़े, डॉक्टर सुरेश जायसवाल सहित अनेक कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे और आयोजित कैंप में शहर भर के लोगों ने अपने कुत्तों का चेकअप करवाते हुए रेबीज वैक्सीनेशन का डोज लगवाया। डॉक्टर खेमेंद्र रोकड़े ने बताया कि रेबीज मुक्त भारत का एक सपना है। रेबीज एक घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। एक बार रेबीज हो गया, चाहे मनुष्य हो या जानवर, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी के लिए रेबीज है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। आज का ये कैंप है, कर्तव्य फाउंडेशन और अर्चना मेडिकल्स का संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है और इसका एक बड़ा सपना है, एक रेबीज मुक्त भारत का एक सपना है। जैसे कि हम बात करें कि विश्व स्तर की बात करें या भारत स्तर की बात करें, तो रेबीज एक घातक बीमारी है, वो जानलेवा बीमारी है। यदि एक बार रेबीज हो गया, वो मनुष्य हो या जानवर हो, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके बचाव के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम रेबीज का टीकाकरण कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो रेबीज का जो संचार होता है, वो अधिकतम 99% केसेस में हमें देखा है कि इंसानों में वो कुत्ते के काटने से होता है, श्वान के काटने से होता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उसको दो तरह से रोक सकते हैं, या तो हम डॉग की पॉपुलेशन को रोक सकते हैं और दूसरा उसका रेबीज का टीकाकरण कर सकते हैं। तो ये एक बृहद कंसेप्ट लेके ये आए हैं कर्तव्य फाउंडेशन और अर्चना मेडिकल्स, ये बहुत ही बधाई के पात्र है। Subscribe now to most exciting channel ever.